सो हेलो गाइस, वेलकम टू द क्रिकेट सुपर फैंस। दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग का बराबर सीजन यानी कि आईपीएल 2019 खत्म हो चुका है और अब बारी है वर्ल्ड के सबसे बड़े टूर्नामेंट यानी कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 की, जो कि वर्ल्ड कप 2019 स्टार्ट हो जाएगा 30 मई से और 14 जुलाई 2019 को खत्म होगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारतीय टीम के स्क्वाड के बारे में, जो कि बीसीसीआई ने भारतीय टीम के 15 खिलाड़ियों का टीम स्क्वाड अनाउंस कर दिया था वर्ल्ड कप 2019 के लिए। तो आज हम बेसिकली भारतीय टीम के स्क्वाड के एनालाइज करने वाले हैं कि भारतीय टीम कितनी ज्यादा मजबूत है, कौन सा खिलाड़ी भारतीय टीम को जिता सकता है वर्ल्ड कप 2019 से, और किस किस खिलाड़ी को भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल किया गया है वर्ल्ड कप 2019 के लिए। दोस्तों, पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहें। दोस्तों, अगर हम बात करें तो आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 जो कि 30 मई से स्टार्ट हो जाएगा इंग्लैंड में, जो कि वर्ल्ड कप 2019 ओडीआई फॉर्मेट में खेला जाएगा यानी कि 50-50 ओवरों का, और सभी 10 टीमों ने वर्ल्ड कप 2019 के लिए अपनी अपनी टीम का भी स्क्वाड अनाउंस कर दिया था। तो वहीं बीसीसीआई यानी कि टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर एम एस के प्रसाद ने भी भारतीय टीम के 15 खिलाड़ियों का टीम स्क्वाड अनाउंस कर दिया था आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 के लिए, जो कि काफी बैलेंस काफी मजबूत टीम का अनाउंस किया गया था, जहां टीम से कई बड़े बड़े खिलाड़ी शामिल नहीं थे। तो वहीं टीम में एक से बढ़कर एक जबरदस्त खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जहां टीम में अंबाती रायडू, ऋषभ पंत और खलील अहमद जैसे कई जबरदस्त खिलाड़ियों को टीम में शामिल नहीं किया गया है। तो वहीं टीम में केएल राहुल, हार्दिक पांड्या और भी कई जबरदस्त खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। तो गाइस, बिना देरी किए चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं भारतीय टीम के स्क्वाड के बारे में कि वो कौन से भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल है 15 खिलाड़ी वर्ल्ड कप 2019 के लिए। तो कुछ इस तरह से भारतीय टीम का स्क्वाड आई थी वर्ल्ड कप 2019 के लिए, जो कि नंबर 1 पर रोहित शर्मा, जबरदस्त ओपनर बल्लेबाज, नंबर 2 पर शिखर धवन, जो कि ये भी एक जबरदस्त विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज माने जाते हैं, जबकि नंबर 3 पर है रन मशीन यानी कि विराट कोहली, भारतीय टीम के जबरदस्त कप्तान और बैट्समैन। तो इसके बाद नंबर 4 पर है लोकेश राहुल, जो कि ये भी एक जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, जबकि नंबर 5 पर है महेंद्र सिंह धोनी, भारतीय टीम के सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज, जबकि नंबर 6 पर है विजय शंकर, बेहतरीन ऑलराउंडर। तो इसके बाद नंबर 7 पर है दिनेश कार्तिक, जबकि नंबर 8 पर है हार्दिक पांड्या, जबरदस्त ऑलराउंडर। तो इसके बाद नंबर 9 पर है रविंद्र जडेजा, जबकि नंबर 10 पर है केदार जाधव। तो इसके बाद नंबर 11 पर है कुलदीप यादव, चाइनामैन स्पिनर, जबकि नंबर 12 पर है मोहम्मद शमी। तो इसके बाद नंबर 13 पर है जसप्रीत बुमराह, जबरदस्त फास्ट बॉलर, और उसके बाद नंबर 14 पर है भुवनेश्वर कुमार, जबकि नंबर 15 पर है युजवेंद्र चहल। तो गाइस, ये रहा भारतीय टीम का स्क्वाड वर्ल्ड कप 2019 के लिए, जो कि वर्ल्ड कप 2019 के स्क्वाड अनाउंस होने से पहले ही जहां एक बहुत ही बड़ी खबर वायरल थी, जो कि हार्दिक पांड्या और उसके बाद केएल राहुल, जो कि इन दोनों खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप 2019 के लिए भारतीय टीम में नहीं शामिल किया जाएगा, ये खबर काफी ज्यादा वायरल थी कॉफी विद करण के शो की वजह से, जिसके चलते बीसीसीआई ने इन पर जुर्माना भी लगाया था, इन पर बैन भी लगा था। लेकिन 15 अप्रैल को इन दोनों ही खिलाड़ियों को भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल कर लिया गया था वर्ल्ड कप 2019 के लिए, जहां हार्दिक पांडे अपने बल्ले और गेंद दोनों से ही जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं और ये वर्ल्ड कप 2019 में दूसरे टीमों के लिए खतरे की घंटी भी बजा चुके हैं। तो इसके बाद केएल राहुल भी इस टाइम पर काफी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, जो कि इन्हें टीम में एज अ थर्ड ओपनर के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। तो वही अगर हम बात करें तो रोहित शर्मा और शिखर धवन, जो कि ये दोनों ही बल्लेबाज आईपीएल के स्टार्टिंग में इतने जबरदस्त लय में नहीं दिखाई दे रहे थे, काफी खराब परफॉर्मेंस कर रहे थे, लेकिन आईपीएल के अंत तक ये दोनों ही बल्लेबाज काफी शानदार फॉर्म में वापस आ चुके हैं, अपनी पुरानी लय में आ चुके हैं, और ये वर्ल्ड कप 2019 के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है टीम इंडिया के लिए। तो वहीं रन मशीन यानी कि विराट कोहली हमेशा की तरह इस टाइम पर भी काफी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, और इनसे तो काफी ज्यादा उम्मीद होगी कि वर्ल्ड कप 2019 में हर मैच में जबरदस्त पारी खेले टीम इंडिया के लिए। तो इसके बाद भारतीय टीम की बॉलिंग लाइनअप भी काफी मजबूत दिखाई दे रही है, जहां टीम के पास है मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह, ये दोनों ही खिलाड़ी काफी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। तो वहीं इसके अलावा टीम के पास दो तुर्क के इक्के भी हैं, जो कि कुलदीप यादव, चाइनामैन स्पिनर और युजवेंद्र चहल, जबकि भारतीय टीम के पास मिडिल ऑर्डर में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस बल्लेबाज, जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी, ये भी अपनी पुरानी लय में दिखाई दे रहे हैं, और ये टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा बड़ी खुशखबरी है। जब भी महेंद्र सिंह धोनी जबरदस्त फॉर्म में दिखाई देते हैं, कहीं ना कहीं मैच भी फिनिश करके जाते हैं। तो यहां पर ओवरऑल भारतीय टीम काफी बैलेंस काफी मजबूत दिखाई दे रही है और वर्ल्ड कप 2019 के सबसे प्रबल दावेदारों में से एक मानी जा रही है। तो गाइस, आपके हिसाब से क्या भारतीय टीम वर्ल्ड कप 2019 जीतकर अपने कंट्री यानी कि इंडिया लौटेगी, क्या जीत पाएगी वर्ल्ड कप 2019? कमेंट बॉक्स में अपने विचार अपने राय जरूर दें। वहीं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें आपको मिलने वाली है हर एक न्यूज सबसे पहले।